हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आ रहा है बहुत बड़ा तूफान, क्यों ऐसा मैंने लिखा और इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव आपको पड़ने वाला है, कौन सी ग्रह स्थिति है जो कि बदलाव होने वाली है। प्रिय दर्शकों, संभव है कि इससे पहले आपने कई सारी वीडियो देखी होगी। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, शनिदेव वक्री हो रहे हैं 30 जून से लेके 15 नवंबर तक, क्योंकि 15 नवंबर को फिर ये मार्गी हो जाएंगे, तो लगभग 4.5 महीने का ये समय है। इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक चीज़ और भी है यहाँ समझने की कि ये बड़े जो ग्रह हैं जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, देवगुरु बृहस्पति लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो इनका प्रभाव जैसे 30 जून को परिवर्तन करेंगे यानी कि वक्री होंगे, तो ये अब समझिए कि 15 तारीख से ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। अब कुछ लोगों के जीवन में ये रिजल्ट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये चीज़ें घटनाएं शुरू हो चुकी होंगी। ऐसा यदि ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें समझने की बात क्या है, इसको गहराई से आपने बहुत सारी वीडियो तो देखी, पर इसको गहराई से समझने की बात है, ना कि डरने की। क्योंकि आप यदि कारण किसी समस्या के पीछे क्या कारण है उसको आपने समझ लिया तो फिर उससे आप बाहर निकल सकते हैं। और शनिदेव एक ऐसे टीचर हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं, ये न्यायाधीश कहलाते हैं। और ये जब वक्री हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, तो ये पूरी तरह से इन्होंने जो होमवर्क आपको दिया है वो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलने वाला है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये था वो था, कुछ भी आप रीज़न बताइए, शनिदेव के सामने कोई भी रीज़न नहीं चलने वाला है। आपको होमवर्क दिया है तो करना ही है, तो यदि आपने होमवर्क कर लिया तब तो फिर कोई समस्या नहीं है, पर यदि आपने होमवर्क नहीं किया यानी आपका जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उसको आपने अच्छे से नहीं निभाया, तो फिर समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह हैं, आपके पंचमेश हैं, आपके सुखेश हैं, तो पंचमेश और सुखेश होते हुए ये कुंभ यानी कि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, परंतु कुंभ राशि में अब गोचर करते हुए जब वक्री होंगे तो ये दशम यानी कि मकर का रिजल्ट देंगे। तो मकर का रिजल्ट देंगे, और साथ में मैंने जो लिखा उसके पीछे कारण ये है कि आप जानते हैं कि शनिदेव वायु तत्व हैं, वायु तत्व के, और जो राशि है कुंभ ये भी वायु तत्व है, और जो मकर है जिसका आप रिजल्ट देंगे वो है पृथ्वी तत्व, यानी पृथ्वी में वायु का बहुत वेग आने वाला है, यानी शनि का पृथ्वी तत्व में, इसलिए मैंने लिखा कि बहुत बड़ा तूफान है, क्योंकि शनिदेव अब बहुत ज़्यादा बलवान हो चुके हैं, तो इनके प्रभाव अभी जिन लोगों को मिल रहे थे तो जानते ही हैं, पर प्रभाव में अब बढ़ोतरी हो जाएगी। अब देखा जाए कि क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसे हम गहराई से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में आप यदि अभी तक सोच रहे थे कि चलो अभी समय निकल रहा है, 6 महीने तो लगभग होने वाले हैं, तो 6 महीने आसानी से निकल जाएंगे, तो ये लगभग 4.5 महीने देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, कलह का माहौल, अनबन की स्थितियां बनने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इस समय आपको यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा, बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि शनिदेव से दृष्ट हैं, और शनिदेव की दृष्टि आप जानते हैं ना कि समस्याएं उत्पन्न कर देती है अक्सर, तो यहाँ पर आपके व्यापारियों में विशेष रूप से उन लोगों के लिए समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना, क्योंकि संभव कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। या आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे तो इसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नए स्टार्टअप में कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि होगी तो संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आज के समय में जो स्टार्टअप शुरू होते हैं तो हर एक स्टार्टअप चाहता है कि हमारा 4 महीने 6 महीने में 1 महीने में ही
सब कुछ हो जाए और हम सब से ज़्यादा बड़े स्टार्टअप कहला जाए। यानी कि धैर्य की कमी होती है आज के जितने स्टार्टअप शुरू होते हैं, मैक्सिमम, हर एक नहीं पर मैक्सिमम। अब समझिए कि 100 स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं तो उसमें से 90-95 स्टार्टअप यही सोचते हैं कि बस शॉर्ट टर्म में ही हम सब कुछ प्राप्त कर लें, जो कि ये विपरीत है। कोई भी स्टार्टअप शॉर्ट टर्म में सफलताएं नहीं प्राप्त करता। अब हो सकता है कि कुछ लोग उदाहरण दे सकते हैं कि ये स्टार्टअप इतना जल्दी ग्रो कर गया, पर आपने अभी उसको देखा नहीं कि आगे क्या स्थिति है। मैक्सिमम स्टार्टअप जो बहुत जल्दी तुरंत महीने दो महीने में ग्रो करते हैं, उनके जीवन में आगे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको गहराई से समझना होगा। साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में आय को लेकर इस समय थोड़ा सा सावधान रहिए, फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि पैसा जो आने के रास्ते हैं ना, उनमें थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही धन अर्जन हो पाएगा, तो आलस्य से बचिए, खूब कर्म करिए। और इस समय संभव है कि जो आपने प्लानिंग बनाई होगी, जैसे मैंने कहा कि 6 महीने तो लगभग निकल रहे हैं, पर आगे वाले 6 महीने में आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जब नया वर्ष शुरू होता है, अंग्रेजी नया वर्ष, तो हम क्या करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर पता चला कि अब तो आधा साल ही निकल गया है, अब हम करेंगे, फिर ऐसे आधा साल निकल जाएगा। इसलिए अब थोड़ा सा आपकी जो प्लानिंग हैं उनमें फेरबदल करना होगा, उनमें एक के साथ दूसरा प्लान भी रखना होगा, क्योंकि संभव है कि जो आपका जो गोल है, आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो ड्रीम है, इच्छाएं हैं, वो संभव की पूरी ना हो, और पूरी यदि हो भी रही हैं तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद पूरी हों। साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण सबसे ये जो सब मैंने बताया उनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका घर परिवार। घर परिवार में थोड़ा सा कलह का माहौल और आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कटुता, वाणी कहीं ना कहीं आपकी ऐसी हो जाएगी कि उससे बाद ब्याद अनमन की स्थिति देखी जा सकती है। अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हमारी तो फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, ज़्यादा है नहीं हमारी फैमिली में लोग। तो फैमिली एक तो होती है कि परिवार, जैसे आपके चाचा ताऊ, ये ऐसे और भी जितने भी रिलेटिव होते हैं। आप समझिए कि आप लोग पांडे हैं, ठीक है, जैसे मैं पांडे हूँ तो मेरे पारिवारिक और भी जो पांडे हैं मेरे गांव में रहते या शहर में जो भी, वो पूरा परिवार हो गया। तो उनसे बाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थिति किसी विषय को लेकर हो सकती है आपकी वाणी से। अब कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ा सा कुछ बात हुई पर अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आज अभी 4.5 महीने बाकी हैं। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम जिसे कहते हैं छुपे रुस्तम, वो आज आपने कुछ बात कही तो वो सुन लेंगे, बोलेंगे नहीं, पर जब मौका उनको मिल जाएगा तो फिर तब बोलेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं कि बस हम सोच लिए कि कुछ नहीं, यानी कि जो कहते हैं ना, एक बातें आपने सुनी होगी, शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो वाली बातें हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि देखी जा सकती हैं, परंतु अब इसमें एक और समस्या हो सकती है, जैसे पारिवारिक बंटवारा होता है वो यदि हो रहा है तो उसमें आपको नुकसान देखने को मिले या बाद व्याद हो जाए या कोई मामला उलझ जाए, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अब ये समझना होगा कि ये समस्याएं तो हैं पर समाधान क्या है। समाधान एक ही है, कर्म करिए, अपनी वाणी में संयम रखिए और गलत रास्ते, शॉर्ट टर्म रास्ते इनको ना अपनाएं, सही रास्ते में चलें, मेहनत करें, थोड़ा समय लगेगा, जीवन में सफलता प्राप्त होगी। यदि शॉर्ट टर्म में कोशिश करेंगे, गलत रास्ते अपनाएंगे, देखने के लिए कुछ दिन के लिए ठीक है, बहुत कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं और इतनी ज़्यादा ग्रोथ के साथ बढ़ सकते हैं कि जैसा कोई नहीं कर पाता जल्दी, परंतु लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो तो जीरो रहेगा, है ना। अब देखिए, अब जो वीडियो बनती हैं आज के समय में, तो शॉर्ट की बात करें या आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम में रील की बात करें, मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसलिए कि ये चीज़ें आप इनको जब गहराई से समझेंगे और आप समझते भी होंगे तो दोहरा जाएगा ये, तो
यहाँ पर अब रील की बात की जाए, शॉर्ट की बात की जाए, तो आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं कि ये कैसे होना चाहिए, तो रील में बहुत कम ही रील होती हैं जिनमें आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा और एक पूरे सिस्टम के साथ, पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिल पाएगी। मैक्सिमम रील क्या है? टाइम पास के लिए। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना इस सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हनुमान चालीसा, रामायण, जो भी कर सकते हैं आप करें, हनुमान जी की आराधना करें, दर्शन करें, इससे आपके जीवन में सब कुछ बदलेगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा और अपनी जन्म कुंडली जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा या तो विश्लेषण करवा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।